हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रैकिंग नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है वन प्लस 60 जिसको मैं कुछ हफ्तों से यूज़ कर रहा हूं, जिसको मैं लेके गया था अपने मलेशिया के टूर के ऊपर और मैंने दिवाली के फोटोज़ भी इसी से लिए हैं। और यहां पर मुझे लगा कि मैं अपने कैमरा के बारे में आपके साथ अपने ओपिनियन शेयर करूं। मतलब इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप। लेकिन क्या ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? फ्रेंकली स्पीकिंग नो, ये एग्जैक्टली सेम है वन प्लस 6 से। हालांकि इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है नाइट मोड, जो अब वन प्लस 6 के अंदर भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने कुछ कैमरा सैंपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपना कंप्लीट रिव्यू इसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ फोटोज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ फोटोज यहाँ पर आप मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी की तरह खींचे थे, और यहाँ पर अगर आप जाएंगे आगे तो देख सकते हैं कि जैसे यहां पर आप जूमिंग करोगे वैल्यू बाउल्स के ऊपर, जहां पर लिखा हुआ है दारी पाड़ा RM 3.7, काफी अच्छे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ग्रीनरी के जो फोटोज है वो भी बहुत ही बढ़िया क्लियर क्रिस्प आए हैं। हालांकि ये था नेचुरल लाइट में, तो ऑब्वियस है कि धूप में तो फोटोज बहुत ही बढ़िया आते ही हैं। आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक छत का फोटो खींचा जहां पर डायनेमिक रेंज भी बहुत ही बढ़िया तरह से दिखता है। लेकिन उसके बाद हम लोग गए थे एक फ्रूट शॉप जहां पर हमें दिख गए थे मैंगोज, वो भी अक्टूबर के महीने में। ये कुछ इंटरेस्टिंग था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो मैंगोज यहां पर जितने येलोइश दिख रहे हैं इतने येलो नहीं थे। तो लगता है कि वन प्लस 60 के अंदर ओवर सैचुरेशन का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जहां पर फोटोज को ज्यादा ही वार्म हो जाते हैं, यहां पर कलर्स भी इतने ज्यादा ब्राइट हो गए जो रियलिटी में इतने ब्राइट नहीं थे। आप इन दोनों पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं KL टावर्स के ऊपर, जहां पर मैंने पीछे पेट्रोनस टावर का एक फोटो लिया था और हमने कुछ मिल्क शेक या कुछ पिया था वहां पर, तो ये फोटो बहुत ही बढ़िया तरीके से आया था। जहां पर हमने एक फोटो लिया था नॉर्मल मोड में, एक और था पोर्ट्रेट मोड में, और पिक्चर बहुत ही बढ़िया आया था। जिसके बाद हमने कुछ फोटोज खींचे थे नाइट मोड के अंदर, फोटोज काफी अच्छे आए थे। अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन की इसकी वन प्लस 6 के कंपेरिजन में, यहां पर आप वन प्लस 6 को और वन प्लस 60 को कंपेयर करोगे तो नाइट मोड में तो बहुत ही अच्छे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सेल्फीज की, तो आई वुडंट से कि ये बेस्ट सेल्फीज लेता है अंधेरे में, लेकिन नॉट बैड कंसीडरिंग कि ये स्मार्टफोन कैमरा है। अभी अगर मैं बात करूँ नाइट मोड की, तो ये रहे कुछ और कैमरा सैंपल जो मैंने खींचे थे। और यहाँ पर कुछ एक जगह पे हम लोग गए थे जो था एक स्काई बॉक्स, जहाँ पर आप एक ऑब्जर्वेटरी से फोटो ले सकते हैं। लोग वहाँ पर आईफोन से फोटो खींच रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, फ्लैश लाइट ऑन करके फोटो खींच रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द नाइट मोड फीचर हमें बहुत ही बेहतरीन शॉट्स यहाँ पर मिल गए। अगेन इतने ज़्यादा डिटेल्स नहीं है जो आपको लगे कि दिन में जो मिलते हैं फेस के ऊपर, लेकिन काम चलाओ तो हो ही जाते हैं ये फोटोज। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और फोटोज की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेयर कैमरा से जो KL टावर का जो पिक्चर है, रेड वाइट ब्लैक टोन सब कुछ परफेक्टली कैप्चर हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने एक सेल्फी खींची और वहाँ पर फेस के ऊपर टैप किया ताकि मेरे फेस के ऊपर लाइट आ जाए, तो पीछे की चीज़ तो ओवर ब्राइटन हो गई और कम्प्लीटली यूजलेस हो गया वो फोटो। अगर मैं बात करूँ दूसरे एरियाज की, तो यहाँ पर कुछ फोटोज हमने खींचे थे हेलीकॉप्टर राइड से, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया आए थे। मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर राइड थी इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब पिक्चर वीडियोज भी काफ़ी स्टेबलाइज आते हैं। और ये रहे कुछ फोटोज जो आप देख सकते हैं जो हमने हेलीकॉप्टर राइड से खींचे थे, और ये तो बहुत ही बढ़िया आए थे। हालांकि मैं इसके पीछे क्रेडिट इसको भी देता हूँ, क्योंकि ये हमने खींचे थे डे लाइट में, और ऑब्वियसली डे लाइट में फोटोज बहुत ही अच्छे आते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ मॉल के अंदर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप मेरे बालों के ऊपर ध्यान दोगे तो डिटेल्स बहुत ही अच्छे आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे पिक्चर्स की, तो ये रहे कुछ और पिक्चर्स और फोटोज बहुत ही अच्छे आए थे। इसके बाद हम लोग गए थे श्री स्वामी विवेकानंद के मठ के ऊपर, और वहां पर हमने जब फोटो खींचा लो लाइट में, तो आप देख सकते हैं कि फोटो में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स आपको मिल गए थे। ऐसा लग रहा था फोटो की ना ही हमने रात के 10 बजे खींचा है, लेकिन प्रॉब्ली शाम के 5 या 6 बजे खींचे हैं। लेकिन उसके साथ साथ काफी सारा नॉइज भी आ गया पिक्चर के अंदर, और थोड़ा सा पिक्चर ग्रेनी भी हो गया। लेकिन आई थिंक ये तो ऑब्वियसली होना ही है, जब आप पिक्चर को ज्यादा ब्राइटन करने जाते हो तो यही हो जाता है। इसके बाद हमने कुछ फोटोज खींचे थे चलती हुई गाड़ी से, चलती हुई बस से, कैब से, और ये सारे पिक्चर्स तो बहुत ही अच्छी तरह से आ गए थे। ये रहे कुछ फोटोज जो हमने खींचे थे बाटू केव्स के, जहां पर आप देख सकते हैं कि डिटेल्स यहां पर भी बहुत ही ज्यादा मौजूद है, और कलर्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आए हैं इसके अंदर। कुछ सेल्फीज भी हमने खींचे थे ऊपर चढ़ते हुए, और कुछ रेयर कैमरा के भी फोटोज खींचे थे जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आए थे। ना ही बाटू केव्स के, लेकिन हम लोग चले गए थे उसके बाद एक चाइनीज मंदिर, और वो हम लोग गए थे ऑलमोस्ट 9:30 से 10 बजे रात के, जहां पर बारिश भी गिर रही थी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट लो लाइट में भी फोटोज बहुत
बहुत ही बढ़िया आए थे। सो नाइट मोड इज अ वेरी गुड फीचर जो वन प्लस इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन उसके ऊपर मेरा कुछ फीडबैक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों अगर आप बात करें नाइट मोड की, तो मैंने इसके बाद में गया था एक और जगह जहाँ पर मैंने जाकर कुछ फोटोज खींचे थे एक लोकेशन में, शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर मैंने फ्रंट कैमरा से बात की थी और वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रेनी वीडियो आया और काफ़ी सारा क्वालिटी बुरा लगा मुझे। तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो वन प्लस को फिक्स करना चाहिए। हालांकि उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और एरिया है स्लो मोशन का। यहाँ पर अगर आप जाएंगे आगे जाकर देखेंगे तो स्लो मोशन जब भी आप लेते हैं वो भी नेचुरल लाइट में नहीं लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में, तो बहुत ही गंदा आता है। हालांकि मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको स्लो मोशन लेना है तो आप ले सकते हैं नेचुरल लाइट में जहाँ पर धूप है, ब्राइट एंड लाइट एनवायरमेंट है, लेकिन अगर आप लेते हैं घर के अंदर, मॉल के अंदर, आर्टिफिशियल लाइट के अंदर, तो स्लो मोशन काफ़ी बुरा आता है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम एक एरिया है जो वन प्लस को फिक्स करना चाहिए। हालांकि आई डोंट थिंक वो फिक्स कर सकते हैं इस फोन के अंदर, मे बी वन प्लस 7 के लिए वो एक फीचर को लेके आ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे एरिया की, तो हम लोग गए थे बोटानिकल गार्डन, जहाँ पर हमने देखे कि सबसे बेस्ट पिक्चर्स जो हमें मिले थे मलेशिया में वो वहीं पर मिले, क्योंकि जो ग्रीनरी थी, जो कलर्स थे, येलो, रेड, ब्राइट अप कलर्स, काफ़ी बढ़िया तरीके से स्मार्टफोन के अंदर हमें मिल गए थे। तो ओवरऑल ये थे कुछ और कैमरा सैंपल जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। और सबसे अच्छा फुटेज एक और जो हमें पसंद आया था वो था हमारा हेली राइड का, जो हमने इनसाइड ऑफ द हेलीकॉप्टर शूट किया था। मतलब मेरे पीछे मेरे टीम मेंबर ने कैमरा को होल्ड किया अपने हाथों से और बिना कोई गिम्बल के उस वीडियो को शूट किया था और बहुत ही बढ़िया हमें फुटेज मिली थी, ना ही हेलीकॉप्टर के बाहर की लेकिन अंदर की भी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अच्छा एरिया लगा वन प्लस 60 के कैमरा का। सो ओवरऑल मेरा पॉइंट ये है कि दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हो इस एंगल से कि आप इससे अच्छे स्लो मोशन ले सकते हो, आई वुड नॉट रिकमेंड यू दिस कैमरा। अगर आप सोचते हो कि आप लो लाइट में सेल्फीज या फिर लो लाइट में आप वीडियो शूट करना चाहते हो तो आई वुडेंट रिकमेंड दिस कैमरा। लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप स्लो मोशन शॉट्स खींचे नेचुरल लाइट में, अगर आप फोटोज़ खींचना चाहते हैं, अगर आप चलते चलते फोटोज़ वीडियोज लेना चाहते हैं, या फिर आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेना चाहते हैं, देन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप कैमराज जो आप खरीद सकते हैं इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। तो ये थे मेरे ओपिनियन, ये रहे कुछ और कैमरा सैंपल जिससे आपको बेटर आइडिया भी मिल जाएगा स्मार्टफोन के कैमरा कैसा है। प्लस दोस्तों ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये सारे फुटेज जो आपने इस वीडियो के अंदर देखी है कंप्लीटली अनएडिटेड है और आपको जैसे हमने कैप्चर किया वो हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। अगर आपको ये फॉर्मेट वीडियो का पसंद आया है जहाँ पर मैं आपके साथ डायरेक्ट बात करूँ सारे कैमरा सैंपल्स के बारे में जो हमने खींचे थे, तो आप लोग नीचे कमेंट में उसके बारे में मुझे फीडबैक दे सकते हैं और हम इसी तरह के वीडियोस आगे जाके सारे स्मार्टफोन्स के लिए बनाते रहेंगे। बस इतना से दोस्तों, ये था मेरा एक कंप्लीट रिव्यू वन प्लस 60 के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए फोन रखे चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।